दूसरा एक बच्चा अभी 8 साल का मालवीय नगर के अंदर अजीम नाम का, जिसको 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार ने दिया और उनके वालिद मोहतरम खलील अहमद साहब को दिल्ली सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था। आज हम उनके वालिद को, अजीम के वालिद खलील साहब को मौजूद की परमानेंट नौकरी जो 16,000 रुपया होगी वो दी जा रही है। दूसरा सबूर अहमद की फैमिली, जो शहीद सबूर अहमद की फैमिली हमारे बीच में नहीं आई है, कुछ लोगों ने उनको बरगला दिया, हम लोगों ने उनका 1 करोड़ का चेक हमारे पास उनका बनकर के आ गया है। अब मैं अगर कोई उनके थाने से आया है तो हमसे 1 करोड़ रुपये ले लें, क्योंकि कुछ लोगों ने उसका नाम पर राजनीति की, राजनीति के बाद भी वो नहीं आए हैं। अब मैं चाहूँगा मनीष जी बात रखें, एक मनीष जी ने और अरविंद जी ने मुझसे वादा किया था कि जब तुम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन जाओ तो इमामों की तनख्वाह 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दें और मौसम की तनख्वाह 2,000 से बढ़ाकर 16,000 कर दी। तो आज मनीष जी आपको ये ऐलान कर रहे हैं कि आपकी तनख्वाह, इमामों की तनख्वाह, यहाँ इमाम बहुत सारे मौजूद हैं आप, तो आज हम ये ऐलान कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इस सालाना मुशायरे में शरीक होने के लिए यहाँ पे आए हैं, देश भर से शायर यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन और मैं भी कई साल से लगातार अपने पसंदीदा शायरों को सुनने के लिए आपकी तरह से यहाँ पे आता रहा हूँ, लेकिन आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े मुशायरे के दौरान एक स्कूल का उद्घाटन किया गया, सरकारी स्कूल का, इतने बड़े मुशायरे के दौरान यहाँ मोहल्ले के अपने आसपास के टीचर्स को, टैलेंटेड बच्चों को, प्रिंसिपल्स को सम्मानित किया गया। मैं आज शिक्षा मंत्री होने के नाते आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने जिस तरह से हमारे टीचर्स का, हमारे बच्चों का, हमारे प्रिंसिपल्स का हौसला बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके मेहनत की वजह से ही पिछले 2 साल से सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से आगे आ रहा है। आज किसी जी ने कहा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बार ये बिल्डिंग की नज़र देख लीजिए, बिल्डिंग की तरफ नज़र घुमा के देख लीजिए, और मैं चुनौती देकर कहता हूँ, मोदी जी बहुत घूम रहे हैं विकास 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 करते हुए दुनिया भर में, 4.5 साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, उससे पहले 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं कहना चाहता हूँ गुजरात में एक स्कूल दिखा दीजिए इसके दर्जे का। भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकार है, मैं चुनौती देकर कहता हूँ एक स्कूल दिखा दीजिए इस तरह का सरकारी स्कूल जहां राष्ट्रपति की सरकार है। ये देश को बरगला के हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं, हम स्कूलों की राजनीति करना चाहते हैं। ये मंदिर मस्जिद की राजनीति करना चाहते हैं, हम स्कूल अस्पताल की कॉलेजों की राजनीति करना चाहते हैं। आ जाए मुकाबले पर। आपको बताएं, आपके मुख्यमंत्री हदीर अजीज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी सरकार को तो 3.5 साल हुए हैं और हमारी सरकार के ऊपर तो एलजी नाम का एक ग्रहण भी लगा हुआ था, लेकिन पड़ोस में हरियाणा की सरकार पे कोई ग्रहण नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 4.5 साल हो गए उस सरकार को चलते चलते। अरविंद केजरीवाल जी ने जाके वहां पे चुनौती दी थी कि खट्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, आपकी केंद्र में आपकी सरकार है, बता दो तो जरा क्या काम किया था, 5 स्कूल बता दो जिनको हम देखने आ जाए, 5 स्कूल। और हमने कहा आप हमारे स्कूल देखने आ जाओ, चुनौती देकर आज कहना चाहता हूँ, आप सब लोग वीडियो रिकॉर्ड करके जाना इस स्कूल का, और जितने भी लोग हरियाणा में हो, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो वहां वहां भेज देना इसके वीडियो, बोला तुम्हारे राज्यों की सरकारों ने एक भी स्कूल ऐसा बनवाया हो तो बता दे। हम